कोई मुझे बताएगा कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? बस एक बार कंफर्मेशन दे दो। एमएस, आप ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हो। कहाँ रह गए? 11 तो बज गए। जी, मैं आ गया हूँ, कुछ 20 सेकंड में लेट था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो मुझे एक टेक्स्ट करके कोई मुझे बता दो अगर मैं जो बोल रहा हूँ मेरी वॉइस आपको क्लियरली आ रही है। ओके जी, दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम कल भी आप ही ने मुझे कंफर्मेशन दिया था, और सृष्टि भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। सृष्टि, थैंक यू वेरी मच कंफर्मेशन के लिए। और नमस्कार सृष्टि। गजेंद्र, यस, आवाज आ रही है, थैंक यू वेरी मच। सो आज भी हम बेसिकली बात करेंगे आपके क्वेश्चंस और आंसर के ऊपर। सो मैं रेडी हूँ अपना ज्ञान का बिस्तर और बोरा लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी सवाल आप चाहो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आज मैं चाहूँगा कि कोविड से हटके कुछ सवाल क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वही सवाल क्वेश्चन आप बार बार रिपीट करोगे तो उसमें बोरियत आती है। आप दूसरे टॉपिक पे, स्पिरिचुअलिटी के बेस पर कोई दूसरे टॉपिक को उठा सकते हो आज। जैसे मैंने कल रिक्वेस्ट की थी, आज भी मैं वही बोल रहा हूँ। तो आपके कोई भी सवाल आएंगे मैं आंसर दूंगा। सुख दुबे भी बोल रहे हैं नमस्ते। नमस्ते जी आपको भी, सभी को नमस्कार। जी तो दीपक कुछ बोल रहे हैं, सर मुझे आप ये बताएं कि क्या कोई समय आने से पहले मर जाता है क्या, या अपने समय पर ही जाते हैं? तो इन शॉर्ट अगर बताऊंगा तो हाँ, सब समय पे ही जाते हैं। कुछ एक ऐसे इंसिडेंट और केसेस भी रहते हैं, अगर कोई किसी को मार देगा किसी गलत फहमी में, अगर किसी को लगता है कि कोई किसी का बुरा कर रहा है, तो हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन जब भी किसी की नेचुरली डेथ होती है तो समय पे ही जाते हैं, समय से पहले नहीं जाते कोई भी। कुछ टाइम दिन वेरी कर सकते हैं, जो हम कई बार लोग क्या रहते हैं, कुछ कृत्रिम सांसें ले लेते हैं। लाइक अगर आप अभी बीमार हुए हो तो हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल में जाके आपको एक कृत्रिम ऑक्सीजन जो रहती है उस पर रहोगे, तो उसमें क्या है, आपकी जो आयु थी या जो सांसें थी उसमें वेरी हो जाता है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। उसकी वजह से कुछ दिन या कुछ महीने का वेरी आ सकता है, तो उससे लोकेशन भी चेंज हो जाती है कि कहाँ पर आपके अंतिम सांस होने वाले थे। तो हाँ होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 99% ऐसा नहीं होता है, समटाइम्स ऐसा होता है। तो यही था आपका आंसर दीपक। और भी कुछ पूछना चाह रहे हो तो ऐड कर सकते हो। और इसके साथ साथ में मैं कुछ टॉपिक आज मैं आपके तरफ से भी बताऊंगा, अपनी तरफ से भी बताऊंगा, क्योंकि मैं कुछ बताना आया हूँ आज। तो शुभ दुबे पूछ रहे हैं, सर क्या पूजा पाठ जाप करने से क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं टाला जा सकता, ये अटल सत्य है, क्योंकि ये आप ही लिख के आते हो और आप ही इसको कैसे टाल सकते हो। आप ही वहां पे प्रॉमिस करके आते हो कि हाँ मुझे अब यहाँ से जाने का टाइम हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं टाल सकते। अब बेसिकली मैं प्रोफेशनली अगर इसका आंसर दूं, देखिए जब भी आप यहाँ पे आते हो तो उसका एक प्रॉपरली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर मैं यहाँ की अपनी अर्थ की बात करूँ, अर्थ के हिसाब से समझाने की कोशिश करूँ, तो जैसे कि आपको 3-4 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप कहाँ पर जन्म लोगे, कहाँ पर आपको पसंद रहता है, किस किस पूरे लाइफ साइकिल में कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उन्नति करने के कहाँ रिवार्ड रेशियो कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें कई जगह देखने को मिलती हैं। उसके हिसाब से आपकी सोल खुद उसको चूज करती है कि ये जो चैलेंज है इसको मैं चूज करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, क्योंकि जेंडर भी उसी समय डिसाइड हो जाता है कि आप किस जेंडर पे आपकी लाइफ साइकिल ज़्यादा सेटिक बैठेगी। इसी के तहत में आपके जो सिबलिंग रहते हैं, आपके लाइफ पार्टनर, पेरेंट्स, सब सब लोगों की एक से एक के साथ में कड़ी बनी रहती है, साइकिल बनी रहती है, और इसलिए स्पेसिफिकली किसी के घर किसी को पैदा होना पड़ता है। नहीं तो आज अगर मैं किसी के घर में पैदा हुआ हूँ और आप किसी के घर में हैं, तो आप वहाँ पर मर के भी फिर वो आपको इस वहाँ पर जन्म ले सकते हैं। लेकिन जब आपको दिखाया जाता है कि आपकी लाइफ साइकिल कैसे रहेगी, इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये इसमें डिफरेंस इसीलिए पैदा होता है। सो दीपक बोल रहे हैं थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।
आप लास्ट टाइम भी जुड़े थे, सो थैंक यू वेरी मच। बाबा जी पूछ रहे हैं, भाई मेरे, अच्छा आप कोई बहन हो, भाई मेरे हस्बैंड की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, उनकी एज 31 थी सर, मुझे गिल्ट फील होती है। तो इसको आप थोड़ा और एलोबरेट कर सकते हो, क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा के बता सकते हो कि किस तरह से आपको गिल्ट फील होती है, उसमें आपका क्या योगदान है कि आप ऐसा महसूस करते हो कि गिल्ट हो रही है, तो मैं उसको अच्छे से समझा सकता हूँ। मैं आपके क्वेश्चन बाद में लूँगा बाबा जी, जो भी हैं आप। पहले मैं सृष्टि को बता देता हूँ। सृष्टि पूछ रही है, सर सबकी ये समय सेम क्यों नहीं होती, किसी की 90, किसी की 30, किसी की 10 ईयर्स, ऐसा क्यों एज होती है? अच्छा क्वेश्चन है, कुछ हटके पूछा, मैं इसका अच्छे से जवाब देना चाहूँगा। सृष्टि आप अपनी लाइफ में देखो, आप अभी क्या कर रहे हो, मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ और जो दूसरे पर्सन है वो क्या कर रहे हैं। जब आप सबको कंपेयर करके देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में दूसरे कामों में व्यस्त हो। मैं अभी स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मैं, मेरे कर्म किस तरह के हैं, आपके कर्म किस तरह के हैं। तो कहने का मतलब है कि इसी से आपके कर्मों के हिसाब से लाइफ साइकिल बनती है, जैसा मैं पहले बताया था आपको, और उसी लाइफ साइकिल के हिसाब से आपको सांसें दी जाती हैं। मान लीजिए आपने इतने अच्छे कर्म करे हैं कि आपकी लाइफ साइकिल शॉर्ट हो गई, कि लोगों का आपके आसपास आना उचित ही नहीं है, और या इसके अपोजिट अगर बात करेंगे कि बहुत सारे लोग आपसे परेशान हुए थे इस लाइफ साइकिल में, तो आपको उन लोगों के साथ में बदला तो देना ही होगा, वो सारे लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे चाहे जन्म कितने भी हो जाएं। तो उन जब तक उनका बदला नहीं उतरेगा, तो उस बदले को उतारने के लिए वो आपके आसपास आएंगे। अब मान लीजिए किसी के साथ में आपने बुरा करा था 10 की एज में, बाद में करा था आपने 25 की एज में, फिर 75 की एज में, अब उनकी भी लाइफ साइकिल आपसे कनेक्ट होगी, उनकी आयु कितनी है जो आपसे बदला लेने के लिए आएंगे। तो इसी हिसाब को जब देखेंगे हम, तो हमें एक चीज का पता चलता है कि आपके जो कर्म है, मान लीजिए 20,000 सांसों से टिके हुए हैं, या 30,000 सांसों की आपकी लाइफ साइकिल बनती है। मैं इसमें ईयर्स कैलकुलेट नहीं करता हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब भी हम करते हैं तो वहां पर सांसें रहती हैं, ईयर्स नहीं रहते हैं, और ईयर्स हमेशा वेरी कर जाते हैं यहाँ के पृथ्वी के हिसाब से। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि इसी हिसाब से हर एक व्यक्ति की सांसें उनके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से वेरी करती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ये आप समझ सकते हो, क्योंकि आज आप किस तरह के कर्मा कर रहे हो, कितने लोगों का आपने दिल दुखाया है, कितने लोगों को आपने छुपाया है, इसी हिसाब से। तो यस, ये वेरी करता है, इसलिए सबकी एज सेम नहीं होती। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। तरुण जाटा पूछ रहे हैं, मैं आशा को 17/2/2017 को मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी 11 दिन में, और अनुष्का नाम के एक चंद्रा, और उनकी डेथ कैंसर से हुई थी। क्या पूछ रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर से लिखिए, मैं आपका जवाब दूंगा। एमएस भाई, मेरे हिसाब से आप बहुत सही बात बोलते हो, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड हो रही है, तो उसके लिए धन्यवाद। तरुण जाटव, हाँ बता दो, बताऊंगा जी पूरा, अपना जवाब ठीक से लिखिए, जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो उसको ठीक से लिखिए, तो मैं आपको बताता हूँ। शालिनी मल्होत्रा पूछ रही है, हेलो सर, आप कहते हैं सब परमात्मा की मर्जी से होता है, मैं अपनी मदर को कोविड में ध्यान नहीं रख पाई और बाद में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई, मुझे गिल्ट होता है कि मेरी वजह से हुआ है। ओके, तो शालिनी जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या सच में आप उनकी केयर करना चाहते थे या नहीं चाहते थे? अगर आप यहाँ पर बोल नहीं सकते क्योंकि आप कमेंट के माध्यम से बता रहे हो, तो लेकिन मैं इतना जरूर समझ सकता हूँ कि आप जरूर उनकी मदद करना चाहते होंगे, लेकिन किसी ना किसी वजह से आप नहीं कर पाए, यह आपका दुख होगा कि अगर मैं उनके साथ में होती या डॉक्टर को उनके साथ में लेकर जाती तो ऐसा होता या वैसा होता, तो ऐसा आप सोच सकते हो। लेकिन थिंग इज दैट कि उस समय जब वो कोविड से पीड़ित थी, बीमार थी, उस समय आपका थॉट प्रोसेस क्या था, ये ज्यादा मैटर करता है, ना कि ये मैटर करता है कि आप उनके पास में थी नहीं थी। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें सबको भी पता है, आपको भी अपनी बॉडी को छोड़ना है, मुझे भी अपनी बॉडी को छोड़ना है, तो हम सबको तो ये बॉडी छोड़नी ही है, लेकिन हमारे कार्मिक अकाउंट क्या है, हम क्या किसी के बारे में गलत सोच रहे थे, क्या मैं अपनी मम्मी को जबरदस्ती मरवाना चाहती थी? इस तरह से आप अगर अपने आप में रियलाइज करोगे, क्योंकि आपने अगर जिस हॉस्पिटल में भी वो थी तो आप यही तो चाहते थे कि वहां पर प्रॉपरली ट्रीटमेंट होकर फिर से रिकवर करके घर पर आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बट स्टिल मैं ये समझ सकता हूं कि आपका जो विवेक उस समय काम कर रहा होगा, जो दिमाग काम कर रहा होगा, वो यही सोच रहे होंगे कि किसी भी तरह से मैं उनकी मदद करूं और उनके साथ रहूं। लेकिन कोविड के बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन थे जो हम उनके पास भी नहीं जा सकते थे, अगर आप सही हो तो उसके हिसाब से। लेकिन आप उस समय स्पेसिफिकली क्या सोच रहे होंगे,
वो ज्यादा मैटर करता है। अगर आप उनको मारने की बात सोच रहे होंगे कि किसी भी तरह से मेरी मम्मी का पीछा छूट जाए, यहाँ से चले जाए, तो ऑब्वियसली बात है आपको गिल्ट करना चाहिए। लेकिन आपका थॉट प्रोसेस अगर ये होगा कि नहीं, उन फिर से रिकवर कर जाएं और घर अच्छे से आ जाएं, तो ऑब्वियसली बात है आपको गिल्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मरते हुए को कोई रोक नहीं सकता, जिसकी सांसें कम हैं और जिसको जाना पड़ेगा उसको जाना ही पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी गिल्ट में मत रहिए। उसके बाद में भी आपने कुछ लिखा है, क्या ये भी परमात्मा ने लिखा है कि मैं अपनी मदर की गुनहगार बन जाऊं? मैंने अभी बता दिया आपको कि आप गुनहगार नहीं हो, सिर्फ ये आप ऐसा आपको ऐसा लगता है कि आप गुनहगार हो। बाबू प्रदीप, आफ्टर सो मेनी डेथ एंड बर्थ, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ सोल एंड हाउ इट गॉट लिबरेटेड? ओके, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, लेकिन पीछे कुछ एक क्वेश्चन था उसको मैं बता देता हूँ। सृष्टि सर, अगर हम सेंस में काम लेना शुरू कर दें पर मैं मिनट, तो हम अपने जीने की अवधि बढ़ा सकते हैं? सर, अगर हम सांसें कम कर दें और शुरू कर दें मिनट, तो आप क्या लिख रहे हो सृष्टि, मैं पढ़ नहीं पा रहा। शायद मेरे हिसाब से आप पूछना चाह रहे हो कि अगर हम सांसें को थोड़ा कम लेना शुरू कर दें। हाँ बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप, जैसे कि क्या होगा, बहुत सारे लोग जब सांसें लेते हैं तो बहुत तेज तेज लेते हैं, तो बिल्कुल उनकी आयु जो कैलकुलेट होती है वो कम होती है। अगर बहुत सारे लोग बहुत धीमा सांस लेते हैं तो वो वेरी करता है, ये बिल्कुल, ये ट्रू है, ये फैक्ट है। तो अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो। राजीव प्रसाद पूछ रहे हैं, पितृ पक्ष में भगवत गीता के सवत अध्याय के पाठ करने से क्या सच में पितर परेशान होते हैं? पितर किसे कहते हैं? देखिए, पितर आप किसी भी चीज का पाठ करो, थिंग इज दैट कि मैटर ये करता है कि आपके मुंह से या आपके द्वारा वो वाइब्रेशंस कैसे निकलती हैं। अगर वाइब्रेशंस अच्छी निकलेंगी तो उनको अच्छा लगेगा, अगर वाइब्रेशंस गलत निकलेंगी तो उनको बुरा लगेगा। अगर आप उनको सेंटर मान के चल रहे हो, पितर किसे कहते हैं वो भी मैं बताता हूँ। पितर वो होते हैं जो आपके परिजन के, आपके दादा दादी हों या कोई भी पेरेंट्स हों जो आपको, आपसे पहले छोड़ के चले गए, आपके सगे संबंधित जो इस दुनिया में नहीं है उनको बोलते हैं। लेकिन जैसे मैं पहले हर बार बताता रहता हूँ, राजीव जी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये जरूरी नहीं है कि आपके पितर स्टिल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके निवास कर रहे हों। जैसे आज आप यहाँ पर हो और भी अपने दूसरा जन्म लेके किसी के घर पर होंगे, तो ये सारी चीजें कुछ लोगों का बिजनेस चलाती हैं कि पितर नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको इसमें नहीं फंसना है, बल्कि अगर आप बात ही कर रहे हो कि अगर किसी चीज का अध्ययन करते हैं या किसी चीज का पाठ पढ़ते हैं तो उससे अगर उनको दिक्कत होगी, तो बस पॉजिटिव सोचिए, पढ़ कुछ भी लीजिए, अगर उनको सेंटर मान के, उनको याद करके, उनको ध्यान में रख के बात करते हो तो बस पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनाइए, बाकी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस संसार में ऐसी बहुत सारी भ्रमित करने वाली चीजें हैं जो आपको भ्रमित करेंगे, आपको डराएंगी, ताकि आपसे लोगों का बिजनेस चल सके। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द रिलीजन है वो इसी तरह से हमें भ्रमित करते हैं, और भ्रमित करने के साथ साथ में हमें डराते हैं ताकि आप उनके हिसाब से नाचना शुरू कर दो। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जो करना चाह रहे हो दिल खोल के कीजिए, बट उसमें एक चीज ये देख लीजिए कि आप कितने खुश हो, आपकी वाइब्रेशंस किस तरह की बन रही हैं, बाकी चिंता मत कीजिए। शुभ दुबे सर, जब अनहोनी होती है तो बुद्धि भी फिर से जाती है, जो हम सही फैसला नहीं ले पाते और बाद में पछताते रहते हैं। देखिए, वो अनहोनी इसीलिए होती है शुभ जी कि आप उसके समय कुछ नहीं कर सकते, आपकी बुद्धि यानी कि जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो फिर जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप करना तो क्या चाह रहे हैं, तो हो क्या रहा है। तो ऐसे में वो इसीलिए होता है क्योंकि आपको हेल्पलेस किया जा सके। नहीं तो हर कोई व्यक्ति अपने किसी परिजन, मैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई ऐसा परिजन है जो बीमार है और आप उसकी हर तरह से मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो सांसें वो निकट आ चुकी हैं, उनको जाना ही होगा। तो ऐसे समय में अगर आप उनकी मदद कर दोगे, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज से या किसी भी तरह से, तो आप उनको जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो इसी इसी समय जब अनहोनी होती होनी होती है, तो अपने आप को या आपके किसी द्वारे को किसी ना किसी तरह से आपको एक मोहरा बना दिया जाएगा कि आप उसमें अपने विवेक का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता है, और बहुत सारे लोगों को पहले से भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट होती है कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हो तो आपके साथ में कुछ ऐसी अनहोनी हो जाएगी कि आप वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, रीजन यही है कि आप उनकी हेल्प ना कर सको।
मदन जी, गीता सर वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच मदन जी आपका। बाबा जी आप बैक टू बैक सवाल पूछ रहे हो, मैं लास्ट क्वेश्चन आपका ले रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं लूंगा। सर मेरे हस्बैंड की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्हीं स्ट्रेस को नहीं देती थी, लगता है कि मैं इन्हें स्ट्रेस तो नहीं देती थी। ओके, देखिए हार्ट अटैक हो, कोविड हो या दूसरी कोई बीमारी हो, ये सारी बीमारियां भी एक दूसरी बीमारियों की तरह ही हैं। इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत है कि आपने उनको टेंशन दी है तो इसलिए स्ट्रेस बढ़ा तो हार्ट अटैक हुआ। ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। देखिए ये मोड ऑफ द डेथ रहता है, यानी कि मौत होने का एक तरह का कारण रहता है, कारण बन जाती है ये बीमारी, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप इस गिल्ट से बाहर निकलिए, अगर आप सोचते हो कि मैं उनको टेंशन देती थी या मैं उनसे लड़ती थी अक्सर तो इस वजह से वो परेशान थे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस ये मोड रहता है किसी भी व्यक्ति के प्राण जाने का, कि कैसे ना कैसे करके तो आत्मा इस शरीर से निकलना ही है। तो किसी किसी को बड़े अच्छे से चले जाते हैं, किसी को किसी दुख परेशानी से चले जाते हैं, किसी को एक्सीडेंट से चले जाते हैं, या इसी तरह किसी न किसी बहाने से जाते हैं। इसके बाद में और भी क्वेश्चंस हैं जो बैक टू बैक आ रहे हैं। दीपक पूछ रहे हैं सर क्या कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और उसकी डेथ हो जाए तो क्या उसका कैनकस उसके अंदर जो बच्चा है उससे भी नहीं था, कि क्या क्या वो उसकी वजह से बच जाए। कैनकस क्या था मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप शायद ये पूछना चाह रहे हो कि कोई अगर लेडी प्रेग्नेंट है उसके वो प्रेग्नेंट है और बच्चा है तो उसका क्या होगा, नहीं पता। दीपक आप मैं अभी एक घंटे से ज्यादा हूँ, ठीक से लिखिए, मैं क्वेश्चन ले लूंगा आपका, टेंशन मत लीजिए, ठीक से लिखने की कोशिश कीजिए ताकि मैं बहुत समझ पाऊँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। अगर मैं कुछ का कुछ आंसर दूंगा तो आपको भी निराशा होगी और दूसरे सुनने वाले भी नहीं समझ पाएंगे, तो ठीक से लिखने की कोशिश कीजिए। MX ठाकुर बोल रहे हैं सर मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, ये 5 मंथ हो चुके हैं और घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि दूसरी शादी के लिए मैं राजी हूँ, हो सकूँ कहूँ तो उसके साथ विश्वासघात नहीं होगा, मेरी लव मैरिज थी। एक सेकेंड में आपका जवाब देता हूँ। जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका मन आपका दिल ये बोलता है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है तो इस चीज को भूल जाइए कि जो भी आपके साथ में परिजन थे या जो आपके लाइफ पार्टनर थी वो आपको छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। दैट मीन्स उनके अंदर की जो वासनाएं हैं वो जा चुकी हैं। ये वासनाएं सारी इच्छाएं तब तक ही हैं जब तक हमारी ये बॉडी है, जैसे ही हम इस बॉडी को छोड़ देते हैं उसके बाद में वो सारी वासनाएं सारी चीजें यहाँ की यहाँ रह जाती हैं। उस सोल को समझ में आ जाता है कि आपके साथ में उनकी लाइफ साइकिल कितनी थी, इससे पहले कितनी बार वो आपके साथ में रह चुकी थी। तो ये इट्स डजन मैटर कि आप अगर उनको आज भी याद कर करके परेशान रहोगे या आगे बढ़ जाओगे तो उससे उनको कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस अवस्था में है कि आप आगे जाना चाहते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो बिल्कुल बढ़ सकते हो, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने बारे में सोचिए कि आपको खुशी कहाँ मिलेगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे जैसा मैं हर किसी को बोलता हूँ आपको जवाब देना अपनी सोल के बारे में, ना कि किसी दूसरे के सोल के बारे में। तो आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको आखिरकार जब भी आपके लाइफ का ओवरव्यू होगा, जब भी आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ से जाओगे, तो एंजल्स पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो आपका क्या जवाब आएगा कि मैं तो अपनी पत्नी का वेट करता रहा जो इतने समय चली गई। जब आपको पता चलेगा वो तो सिर्फ पागलपंती थी। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका मन करता है कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए तो प्लीज गो अहेड, उसको कर लीजिए। अगर आपका मन करता है कि नहीं मुझे नहीं करनी चाहिए, तो कोई भी अगर फोर्स कर रहा है तो उनकी बातों में मत आइए, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सोल, आप ही को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसके बाद में और दूसरे क्वेश्चन है, मदन जी पूछ रहे हैं सर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं सारी बातें। जी इसका कोई आंसर नहीं है। अगर मैं ऑर्थोडॉक्स बात करूं तो देखिए हमने भगवान भी नहीं देखे तो, लेकिन हम स्टिल सब मानते हैं। बट मैं ये कहना चाहूंगा जब आप स्पिरिचुअलिटी के संसार में उतरोगे, इस जगत में उतरोगे, खुद को एक अभ्यास में लाओगे, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में खुद आ जाएंगी। मेरे सामने कोई बुक नहीं है, बस मैं ऐसी बोल रहा हूँ आपके सामने और डिस्प्ले को देख के आपके कमेंट पढ़ पढ़ के बस आंसर दे रहा हूँ। तो
इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर इसका प्रॉपर आंसर आपको चाहिए कि मैं कैसे बता रहा हूँ, तो अपने आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इसके लायक हो भी या नहीं पूछने के लायक, तो शायद मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इसको बता पाऊँ या नहीं बता पाऊँ। तो एबीसी कुछ पूछ रहे हैं सर, अगर हम मेडिटेशन करते हैं हमें कैसा पता चलेगा कि हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि मुझे अब मेडिटेशन करते वक्त कुछ अलग एक्सपीरियंस फील होता है। ओके, अच्छा सवाल है, कई लोगों को इससे इंसाइट मिलेगा, जानकारी मिलेगी। देखिए, अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हो और ये भी उसमें क्वेश्चन मार्क कर रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में कैसे पता चलेगा कि हम सही मार्ग पर या रास्ते पे हैं या नहीं है, सो यू आर ऑलरेडी ऑन राइट वे, क्योंकि आप इसके बारे में सोचना स्टार्ट कर चुके हो। इस दुनिया में अरबों लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की स्पेलिंग का भी नहीं पता है, तो कम से कम उनसे आप बहुत आगे हो। आप मेडिटेशन के बारे में भी सोच रहे हो और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते के बारे में भी सोच रहे हो, दैट मीन्स कि आप अवेकनिंग हो रहे हो, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो यू आर ऑन द राइट वे। अब रही बात की एक्सपीरियंस कैसे होगा, देखिए जैसे जैसे आप मेडिटेशन में की अवस्था में या इसको पूरे परिपूर्ण हो जाओगे, इसमें एक मास्टर जैसी एक आपकी अवस्था बन जाएगी, तब आप बेसिक बहुत सारे एक्सपीरियंस फील करोगे। स्टार्टिंग में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी आपको आ सकते हैं जिससे कि आपको बहुत सारा डर लगेगा कि मेरे साथ में ऐसा क्या हो रहा है, कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या हो रहा है, क्योंकि आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि जैसे मैं हूँ, लेकिन मैं हूँ लेकिन एक मेरे जैसा और है जो आपकी सोल होगी, तो इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन भी पैदा हो सकती है। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आपको स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट मैजिकल थिंग्स, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, उसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन यू आर ऑन द राइट ट्रैक इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। सो हाँ, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। सालनी कुछ फिर से बोल रही हैं, क्या महामारी में भी मरना नेचुरल डेथ है, वो भी फिक्स है, जिन्होंने जाना है वो ही जाएंगे, या जिसकी नहीं है किसी उनकी भी डेथ हो सकती है? देखिए ये वेरी करता, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर किसी डॉक्टर ने किसी को इंटेंसली मार दिया, दैट मीन्स कि उसने उसका मर्डर कर दिया, तो उसका कर्मा उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसको, या उसको फिल्टर होके मिल जाएगा कि किसने क्या करा है। लेकिन रही बात महामारी की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आप इस यूनिवर्स में हो, इस पृथ्वी पर आए हो, उसी हिसाब से जो महामारी है या दूसरे कारण है, दूसरे जीव है, मटेरियल है, कुछ भी है, वो भी तो उसी उसी के घर से आया हुआ है, तो महामारी भी कोई गलत नहीं है। मैंने कल बड़े अच्छे से समझाया था कि ये महामारी कुछ लोगों के लिए बहुत गलत है और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि कुछ के बिजनेस नहीं चलते थे तो इस महामारी में उनके बिजनेस अच्छे रन कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये महामारी हमेशा के लिए कंटिन्यू रहे, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्दी महामारी चले जाए, क्योंकि हम अपने जो परिजन है उनको ना खो सकें। लेकिन अगर मैं इससे आगे की बात बात करूँ, जो ब्रॉड माइंड की मैं बात करना चाहता हूँ, तो देखिए हर एक चीज वो ही डिसाइड करते हैं कि कब उनको क्या भेजना है। आप देखिएगा कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि दिल्ली में कितना पॉल्यूशन रहता था, लेकिन यही इसी महामारी की वजह से वो पॉल्यूशन ठीक हो गया, वहां पर गंगा की भी, यमुना जो है उसकी भी हालत ठीक हो गई है। तो हर चीज में उसके प्रो और कॉन्स रहते हैं, अच्छाई और बुराई रहती है, तो अगर आप उसको डीपली सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में और भी आ रहे हैं, शुभ दुबे, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर रिप्लाई। जी धन्यवाद आपका, आपका हमेशा स्वागत है। तानिया शर्मा, थैंक यू फॉर द सेशन। तानिया जी थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, आप हमेशा कमेंट करते हो, मोटिवेट करते हो। इसके बाद में एबीसी थैंक यू बोल रही हैं, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए।